पढ़ने से पहले माइंड में आप इसके बारे में थोड़ा सा यानी मेकअप कर लीजिए कि आप इसको कैसे समझेंगे, है ना। तो समझिए, इसको माइंड में रखना है, इस टेंस का यानी सेंस माइंड में रखना है। ये टेंस कहता है कि अगर कोई काम एक्शन पास्ट में कुछ अवधि तक, कुछ समय तक चली हो और पास्ट में ही खत्म हो गई। समझ आ गया? पास्ट में कोई अवधि तक चली हो, टाइम पीरियड तक चली हो, फिर पास्ट में ही वो खत्म हो गई हो, इसको हम टाइम पीरियड लेता हो ये टेंस, तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था कि वो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, प्रेजेंट में जारी है और आगे भी जारी रहने की जब संभावना आती है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं। इसका इसका पास्ट में टाइम पीरियड आ जाए तो हम इसको यूज़ करते हैं। लिख लेंगे इसका यानी सेंस। हाँ चलो मैं बता देता हूँ, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। जिस हिंदी वाक्य पढ़ने से ये पता चले कि कोई एक्शन, कोई काम पास्ट में लंबे समय तक चलकर पास्ट में ही खत्म हो गया हो, तो उसको इस टेंस में रखा जाता है। क्लियर? लिख लिए? समझ आ गए? पास्ट में टाइम पीरियड आए और पास्ट में ही खत्म हो जाए। तो एग्जाम्पल्स लेते हैं और बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हम लोग 2006 से अंग्रेजी बोल रहे थे, रहे थे हम लोग 2006 से अंग्रेजी बोल रहे थे। क्लियर? तो ये टाइम पीरियड आ गई, टाइम पीरियड अवधि तक चला था, है ना, अवधि तक चला। तो अब इसको बनाने चलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही से फॉर्म होता है, यही से बनता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लाना है? सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद हेड लाना है, उसके बाद बीन लाना है, उसके बाद वर्ब फोर, आईएनजी वाला वर्ब फोर, उसके बाद लाना है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लाना है एक्सटेंशन, उसके बाद लाना है आपको सिंस, सिंस या फोर। क्लियर? और सिंस या फोर कहाँ लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ कि सिंस कहाँ लगाएंगे और फोर कहाँ लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर लगाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? एग्जैक्ट टाइम, जैसे कल मतलब मंडे को, मंडे, ये मंडे क्या है? एग्जैक्टली टाइम है। दो दिन, कोई एग्जैक्टली टाइम नहीं है, दो दिन कब का है ना। दो साल, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। एग्जैक्ट टाइम 2006, 2009, 1995, इस तरह की, यानी हम जब बात करते हैं एग्जैक्ट टाइम की हमें पता चले तो सिंस लगाएंगे, रफ टाइम की पता चले तो फोर लगाएंगे, ठीक है। अब इनको बनाते हैं। हम लोग का क्या होता है? वी, उसके बाद हमें हैड लाना है, हैड बिन, वर्ब फोर, वर्ब फोर क्या है? इसमें बोलने का होता क्या होता है? स्पीक, आईएनजी लगा देंगे, स्पीकिंग, वी हैड बिन स्पीकिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, क्या बोल रहे थे? इंग्लिश। क्रिया का एक्शन किस में जा रहा है? इंग्लिश में, इंग्लिश। सिंस लगेगा कि फोर लगेगा? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिंस लगेगा, वेरी गुड। ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम है, 2006 ही साल के, 2006। तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में आपको यानी नोट्स लिखा दिया था कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फोर लगेगा, इस चीज़ पे ध्यान देना है, तो याद कर लेना उसको। सिंस, सिंस 2006। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है, और आपको नोट करते हुए जाना है, ऐसे नहीं चलना है, नोट करते हुए जाना, प्लीज़ नोट, नोट भी करना है, फिर उसे पढ़ना भी है। मेरा यानी वीडियोस को पॉज करना है, पूरा लिखना है, फिर तब आगे बढ़ते जाना है, एक एक वर्ड को समझते हुए जाना है। मैं एक एक चीज़ को समझाता हूँ, जो भी नया चीज़ आता है मैं उनको समझाता हूँ, और इसी तरह पूरी पूरी मेरे यानी स्पोकन जितने भी बैच, जितने भी यानी कोर्स होंगे पूरे स्पोकन बैच में, ये सारा चीज़ हम बताते जाएंगे जो भी नया चीज़ आएगा। लेकिन जो चीज़ हम बता देंगे फिर दोबारा हम उसको बताएंगे नहीं, तो एक एक चीज़ को लिखते हुए जाना, याद करते हुए जाना है, और 100% इंग्लिश बोलेंगे आप, है ना। तो एग्जाम्पल हम लेते, यानी पांच छह एग्जाम्पल्स यहाँ पे यानी लिखा हुआ है, आप उसको नोट डाउन कीजिए और बनाइए। लिखिए, राधा 3 दिन से बिस्तर पर सो रही थी,
हो गया ये। नेक्स्ट, हम लोग 8 साल से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पिताजी ९९५ से हमें पढ़ा रहे थे। तुम्हारा भाई जनवरी से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो इसको बनाना है और फिर अगर आपको कोई दिक्कत आए तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं उसकी फुल हेल्प करूंगा। और आई होप कि आपको 100% समझ आ गया होगा ये टेंस। अगर समझ आ गया तो उसको बनाइए, और अगर आपके हमारी पढ़ाई को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने